यह सवाल आपसे ये है कि अगर आप महापौर का चुनाव हार गए तो क्या विधायक पद छोड़ेंगे? नैतिकता के हिसाब से क्यों छोड़ूंगा, क्यों छोड़ूंगा, आप बताइए क्यों छोड़ूंगा, हार गया तो। अरे मेरे को जनता मेरी भगवान है, उन्हें चुन के भेजा है, उनके लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, दुख हो या सुख क्यों छोड़ूंगा। 5 साल के बाद फिसलक रहेगी, 5 साल बाद जनता फिसलक रहेगी कि मैंने काम करा या ना करा। आइए तो चुनाव हर बात पे चलता रहता है, ये तो दुनिया में हार जीत का फैसला आप कर सकते हैं, बेटे हम ये फैसला 17 को ही आएगा, आज भी आएगा और आएगा। दुनिया में 2 आदमी होता है, एक जीतता है और एक हारता है, तो मतलब भाई एक मेल करेगा और एक चलिए। भार्गव जी, भार्गव जी, मेरा प्रश्न ये है कि ये तमाम मुद्दे तो शहर में है ही, एक तो बेरोजगारी बहुत बड़ा इशू है, पढ़ा लिखा नौजवान डिग्रीधारी MBBS वो फुटपाथ पर फल फ्रूट का ठेला लगा रहा है, और फिर ये नगर निगम के कुछ मन चले ठेला पलट देते हैं, लूट पाट कर देते हैं, चालान बना देते हैं, उनके रोजगार का कोई स्थायी समाधान नगर निगम चाहे तो हो सकता है। एक जमाने में पहले स्थायी फंड मिला करता था नगर निगम से, अब स्थिति क्या है ये पता नहीं, लेकिन मैं आंकड़ा देकर हैरत में नहीं डाल रहा हूँ, 50,000 से अधिक इस शहर में नौजवान ऐसा है जो फेरी लगाता है, ठेला लगाता है, तब कहीं जाकर उसको 2 वक्त की जून की रोटी मिलती है। मैंने अभी जो मुझसे विजन के बारे में बात की तो मैंने कहा ही था कि इंदौर शहर इंदौर के लोगों के साथ साथ देश भर के नौजवानों को रोजगार देने का केंद्र बने, इसके लिए एक विजन के साथ प्लानिंग के साथ हम काम करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, मुझे अगर अवसर मिला तो मैं पहला काम ये करूंगा कि इस शहर में ठेले वाले, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, छोटी दुकान वालों के लिए हॉकर्स जोन और तय स्थान करके वो सम्मान के साथ स्वाभिमान के साथ रोजगार कर सके, इसकी चिंता करूंगा। उस काम में जो लोग डिस्टर्ब करेंगे, गड़बड़ करेंगे, उनको ठोक के ठीक करूंगा। लगातार देखा गया है नगर निगम के कामकाज में कि पहले सड़क बनती है, फिर गड्ढे खोदते हैं, फिर सड़क बनती है, प्लानिंग की कोई कहीं नजर नहीं आती, तो इसको लेकर मतलब चाहे संजय शुक्ला जी हो चाहे आप दोनों से मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी प्लानिंग रहेगी जिस तरह से जिसकी वजह से इस तरह की स्थिति निर्मित ना हो, कभी बाउंड्री वॉल बन जाती है, फिर तोड़ी जाती है, फिर नहीं बनाई जाती है, तो इस तरह के चीजों के लिए क्या विजन है आप लोग? सर विजन तो मुझे आप बताना, अभी तक इन पार्टी के जो भी 4 मेयर रहे उनने क्या विजन था? इंदौर शहर में सबसे पहले सड़क बनती है, फिर उसको खोद दी जाती है, ड्रेनेज डाली जाती है, फिर उसको सड़क बना जाती थी, फिर उसमें नंबर लाइन डाली जाती है, क्यों नहीं आज तक प्लानिंग करी? और ये पैसा उनका घर का नहीं, जनता का पैसा है, इसमें ठेकेदार, अधिकारी, नेता मिलकर आपने जगह बसना सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि जिसके अधिकारी बैठे हैं उनको लाइन से बिठाना चाहिए, जिसने गलती करी मैं उसको सस्पेंड कर दूंगा, लाइन में ठीक कर दूंगा, क्योंकि जब तक आप ठीक नहीं कर सकते, भार्गव जी के साथ जब वकील बैठते हैं तो अधिकारी 2-2 घंटे बाहर बैठते हैं, सर के पास बाहर बैठे रहते थे, वही वकील कौन वकील अधिकारी लोग, सर मुझे यह काम कराना, मुझे कराना है, राइट, अभी नहीं होगा, अभी सरकार को सुनना नहीं होने दिया, क्योंकि सर आज तक सर कोई काम नहीं होने दिया, इंदौर पहले भी कई लोग मर गए, अभी गलत होना है, आज भी देखिए 2300 से 3800 रुपए बिल कर दिया, कहां पानी पटाइए, मैं ऐसा विजन बनाऊंगा, काम करूंगा आज से ही, अभी से ही, क्योंकि माता बहनों का परमेश्वर का बेटा आशीर्वाद मिल गया है, तो मैं भार्गव जी का साथ लूंगा, जो वो वकील है, तो हम दोनों भी सेहत और विकास करेंगे, क्यों नगर निगम में लड़ूंगा, फिर प्लानिंग में करूंगा, कोर्ट में कोई गलत काम होता है उसका ही मेरा साथ। मेरा सवाल आपका सवाल बहुत लाजमी और उस पर बहुत काम करने की जरूरत है, इसलिए मेरे पास जो उसका अभी आइडिया है वो ये है कि एक शहर की सड़क और ड्रेनेज लाइन बनने की एक मॉनिटरिंग कमेटी बने, वो मॉनिटरिंग कमेटी जब चीज़ों को अप्रूव करे उसमें एक ही बात कष्ट हो सकता है कि अगर पहले सड़क नहीं बनाई तो लोगों की मांग आती कि हमारे यहाँ सड़क पहले बन जाए, तो हमको इसके लिए 20 साल में कभी नहीं हुआ है, क्या 20 साल में प्लानिंग की है ना, उसको ठीक करने की जरूरत है, सब एक बार में नहीं हो सकता ना भैया, आप भी 15 महीने थे, उन 15 महीनों में क्या हुआ, ये सब समस्या तब भी नहीं, 20 साल में नहीं कर पाए, आप 15 महीने में कुछ तो करते हैं। चलिए
मेरा सवाल आप दोनों से है कि जो 1200 करोड़ का BRTS बना है उसको लेके आप लोगों का क्या मत है? BRTS में 10 लाख जनता बाहर रहती है, तो इसको यदि आप लोग महापौर बनते तो आप दोनों का क्या मत है? दूसरा कि इंदौर में विकास तो बहुत हुआ है, लेकिन क्या ये विकास सही मायने में है? गर्मियों में वाटर लेवल कम हो जाता है, बारिश में जरासी में इंदौर डूब जाता है, तो वैज्ञानिक सोच का अभाव रहा है क्या प्लानिंग में? सर BRTS का जवाब सही देंगे क्यों? वकील सरकार की तरफ से यही थी, वही किसी ने कोई उसका जवाब तो वही देंगे सरकार की तरफ से। आप क्या मानते हो BRTS रहना चाहिए हटा दिया जाना चाहिए? BRTS होना चाहिए परंतु उसके लिए आम जनता के भी होना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में आप देखिए देवास धागे से लेके हाथ तक हर आदमी परेशान हो रहा है, ट्रैफिक परेशान हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, हर जगह गाड़ियां रुक रही है, कुत्ता उसको चोड़ा करके तो चोड़ा रहना चाहिए। BRTS बस भी चल रही है, वो जगह बस चल रही है, शहर में राजवाड़ा बस चल रही है, पांगा बस चल रही है, सबपुर बस चल रही है, एक ही रोड क्यों देवास धागे से लेके फाटक क्यों? सर उसका वकालत सही कर रहे हैं, सही बताएंगे। किशोर कोडवानी जी स्वयं यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन BRTS के विषय में शुरुआती जो अनुभव था उसमें और आज में जमीन आसमान का अंतर है। आज BRTS इस शहर की लाइफलाइन है, AICTCL एक समय टेम्पो चलता था इस शहर में, आज AICTCL है जो अब इलेक्ट्रिक बसें भी मंगाई गई हैं, तो वो पॉल्यूशन की दृष्टि से भी हमको शहर को बचाने वाली है। शहर में कहीं नहीं चल रही, सुबह चल रही कार भी तो चल रही भैया। तो AICTCL की बसेस की जो लाइफलाइन अब शहर को मिली है, तो मुझे लगता है कि इस BRTS के सिस्टम को और अब प्रभावी बनाना चाहिए। किशोर कोडवानी जैसे शहर के बहुत प्रबुद्ध लोग जिन्होंने नगर निगम को कई सुझाव दिए और ऐसे कई लोग हैं, उन सब की सहमति से सहभागिता से उसमें क्या सुधार हो सकता है वो करें। सर इसके पहले किसी ने सुझाव नहीं लिया, सुझाव देते हैं बेचारे धरने बैठते हैं। अभी इस तरह से संजय शुक्ला पानी पी रहे थे, मुझे लगता है कि एक नर्मदा का तरह इनके लिए मिलाना पड़ेगा। yes, सवाल ये है दिन भर की संजय जी सुनिए जरा, सुना भी कर। बात ये है कि आप दोनों बहुत उत्साही हैं, युवा हैं और उम्मीद है जैसा अरविंद जी ने कहा। सवाल ये है कि नगर निगम एक भ्रष्ट तंत्र बन चुका है, इवन जो भ्रष्ट तंत्र करप्ट सिस्टम हो गया है जैसा मैडम ने कहा अभी। मुख्य बात यह है कि पेमेंट लेने तक में भी लोगों को कमीशन देना पड़ता है, ठेकेदारों को कमीशन निकलवाना पड़ता है कि भाई इसने पैसा दिलवाया, इसको इतना परसेंट है, उसमें अधिकारी का है, देने वाले का है, भ्रष्टाचार कैसे खत्म करेंगे? दूसरा पुष्यमित्री जी आप ये बताएं कि भाजपा में ये देखा गया है कि भाजपा का महापौर तो सबल रहता है लेकिन वो अधिकारियों को संभाल नहीं पाता और अराजक हो जाते हैं अधिकारी, वो अराजकता कैसे थामेंगे? कांग्रेस की दिक्कत ये है कि वहां पार्षद अराजक हो जाता है, उनकी अराजकता पार्षदों की आप कैसे संभालेंगे? मैं तो आप देखिए सबसे पहला दिल्ली उदाहरण है, दिल्ली में सिर्फ केजरीवाल ने भ्रष्टाचार रोक दिया है, वहां का विकास इतना बड़ा हो गया, वहां का दिल्ली में पानी फ्री, बसें फ्री, यहाँ तक कि महिलाओं के लिए बसें फ्री है और यहाँ तक अस्पताल फ्री है, स्कूल एक से बन गए। उनने सिर्फ 35 करोड़ का जो ब्रिज बनता था वो 25-25 करोड़ बनने लग गए। इंदौर में किसी ने भ्रष्टाचार नहीं रुका, अरे किसी जनप्रतिनिधि ने आज तक किसी अधिकारी पर दबाव नहीं बनाया, ये नहीं बोला भ्रष्टाचार किया, उसको सस्पेंड कराया, उसको ट्रांसफर कराया। इंदौर शहर में इंदौर के कमिश्नर ने आपने देखा होगा हमारे बुजुर्गों को गाड़ी में भर के फेंक दिया, पूरे देश में थूत हुई अपनी, पूरे देश थूत हुई थी पूरे देश में, परंतु उस कमिश्नर कोई नहीं रहा, उसको हटा देंगे तो इंदौर से कौन आपको देगा? भ्रष्टाचार सबसे पहले भ्रष्टाचार रोकने का मेरा काम, क्योंकि खुद को नहीं खा रहा, भगवान ने मेरे को इतना दिया हुआ है कि मेरे खाने जरूरत नहीं, जिसको नहीं दिया हुआ वो खाएगा और वो नहीं रोक पाएगा। अरे मैं तो अधिकारी को ठीक करके लाइन लगा दूंगा, दुनिया में अधिकारी को जीजी नहीं करना पड़ता, ये काम करना हो तो करके देना है, ये कमलनाथ जी ने करा था 15 महीने में, वही काम में करके काम कैसे कराना चाहिए अधिकारी से, वो मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है, लेकिन जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है, ई गवर्नेंस का युग है, उसको यूज करके जिसने काम किया है उसको समय पे पैसा मिले और समय पे काम हो इसकी मॉनिटरिंग भी जरूरी है, ये दोनों काम ई गवर्नेंस से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके संभव है, उसी आधार पे भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम हो ऐसा प्रयास करेंगे।
मेरा आग्रह ये है कि चूंकि समय की अपनी मर्यादा थोड़ा दूसरा जो आपने मुझसे प्रश्न किया था प्रशासनिक तंत्र की, मुझे लगता है यही एक मेरी USP रही होगी कि मैं अधिकारियों से चीजों को लीगल और मॉरल दोनों ग्राउंड्स पे ज्यादा समझ के सही निर्णय कराने में सफल रहूंगा। चलिए शुक्ला जी, मेरा सवाल यह है कि आप दोनों ने विजन की बात की है पर शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर आप दोनों के पास कुछ नहीं। तो एक तो शिक्षा आपने बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, हर साल बच्चे के पालक परेशान होते हैं कि साहब फीस बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो ऐसा क्यों नहीं किया जाता कि सरकारी जो स्कूल है उनको स्ट्रांग बनाया जाए, उनको व्यवस्थित किया जाए। वो दूसरा स्वास्थ्य को लेके आज जिला अस्पताल टूटा पड़ा है, आज तक नहीं बना वो दोबारा, पूरा ये भार MY पे होता है। तो क्या स्वास्थ्य को लेकर कोई बेहतर व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? दिल्ली शरीफ सरकार के अंदर हर जगह हर वार्ड में अस्पताल होगा, हर जगह अस्पताल होगा, हर चीज व्यवस्था होगी, जो कर नहीं पाए ये तो काम करना है। मैंने आज 28 साल मैंने क्या करा, मुझे जनता ने सिखाया, जनता ने हर चीज सिखा दी। मैं तो सर से पूछता हूँ, सर आपके तो आप जहाँ रहते हैं उस वार्ड के अंदर कितने वो जोर आते हैं, कितने वार्ड आते हैं, आपके कार्यकर्ता कितने हैं, आपको सर अभी कुछ भी नहीं मालूम। आप अभी आएंगे तो 2.5 साल आप सीख जाएंगे, 2.5 साल सीखने में लगेगा, मैं आपको सीखा सिखाया हूँ। लेकिन मैं उस समय जब बात रख रहा था तो एक बात कहना भूल गया कि बड़ी सारी बातें हैं, हाईटेक सिटी की बात है, सारी बातें हैं, लेकिन इन सब के मूल में चार चीजें हैं, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन। ये चारों ही इस शहर के लिए कैसे उपलब्ध हो, क्योंकि ये वो शहर है जो मोहल्ले से निकल के मॉल तक गया है, बस्ती से निकल के बिजनेस सेंटर तक गया। शिक्षा को लेके मेरे मन में जो योजना है कि कम से कम इस इंदौर में ऐसे 6 मॉडल स्कूल बने जो उसी खर्चे, जैसे शिक्षा उपकर जो नगर निगम लेती है उसका पूरा उपयोग शिक्षा के लिए हो, उन मॉडल स्कूल्स को हम तैयार करें। स्वास्थ्य के लिए मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहता, लेकिन एक बात ये जरूर है कि हर वार्ड स्तर पर एक कोई मेडिकल सेंटर हो जिसकी तरफ लोग आशा भरी नजरों से देखें कि यहाँ जाने से आगे के सारे रास्ते मुझे मिल जाएंगे, क्योंकि सारा इलाज बहुत जल्दी हो जाएगा। चलिए एक सवाल पीछे से लेते हैं, राजेश जी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।